ये हमारा दूसरा व्लॉग 14 जनवरी 2021 है आज, और मकर संक्रांति का दिन है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना। उत्तरायण के दिन पूरे दिन का रूटीन ये होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ और छत पे चढ़ जाओ, छत पे पूरे दिन रहो, पतंग उड़ाओ, खाओ पियो और मजे करो। मुझे पतंग उड़ाना तो नहीं आता, लेकिन इन लोगों के साथ मजे जरूर करूँगा। ध्यान से इनका चेहरा देख लीजिए, इस चेहरे को ध्यान से पहचान लीजिए। पत्नी की भक्ति में डूब चुके ये चाचा, और हमें तो अब नज़र ही नहीं आते, दर्शन ही नहीं देते। चाचा, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में नहीं, मैं पतंग के बारे में कहना चाहूँगा। अब बोलिए। लास्ट साल तक मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता था। अच्छा। और जब से आनंद बाबा मिले और उन्होंने पतंग उड़ाना सिखा दिया, तब से देखो हमारी पतंग कैसी उड़ी। ये कुछ भी बोलो, मैं एडिटिंग में कट कर सकता हूँ क्योंकि ये पतंग आपके हाथ में, एडिटिंग की पतंग मेरे हाथ में है कुछ भी बोलोगे सारा एडिट हो जाएगा। मास्क तो निकाल दो ना। ना चल अपन लोगों में बड़ी उत्साह। किधर जा रहे हो तुम? नीचे। क्यों? पतंग चढ़ाना। तो नीचे से पतंग चढ़ती है, ऊपर से चढ़ती है? नीचे से। इस साल का ये पहला त्यौहार है, हम चाहेंगे कि हम इसे पूरी तरह से एंजॉय करें। कोरोना के चलते पूरा साल खराब हो गया था लास्ट वाला, तो इस साल हम चाहेंगे कि ये जो त्यौहार है वो बहुत अच्छी तरह से मनाएं, बहुत खुशी से मनाएं। ये मेरे परम मित्र तेजस भाई, प्यार से लोग इसे दादा भी कहते हैं, और ये अभी कुछ दिनों से नहीं थे तो ये आ गए हैं। इनके बिना हमारी कोई भी जो पार्टी है, फंक्शन है, कोई भी वो पूरा नहीं होता। तो दादा कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? आज बहुत बढ़िया दिन है, मकर संक्रांति है, उत्तरायण का दिन है, पतंग चढ़ाएंगे। हाँ चढ़ाएंगे। और आज आपकी जो पत्नी से धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी का आज बर्थडे है, वो भी आ रही है थोड़ी देर में। अच्छा, हम अकेले अकेले खाना खा कर आ गए। हाँ, हम अकेले अकेले खाना खा के आ गए तो रात को पार्टी दे रहे हैं हम लोगों को। हाँ, पार्टी अपना हर रोज रात को पार्टी होती है। कौन सी पार्टी भाई? ए भाई, तुम आओ बुझू ना बुलाओ। आज सारा गुजरात टेरेस पे है और यहाँ पे लोग मजे कर रहे हैं। सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं चालू है, कोरोना के चलते सरकार ने जो बहुत सारे नियम्स लगा दिए हैं, लोग सुबह से उंधियू जलेबी और पता नहीं क्या क्या खाकर एंजॉय कर रहे हैं।
विवाह लगा। लोग गुजरात की उत्तरायण मनाने के लिए विदेशों से आते हैं यहाँ पे उत्तरायण मनाने के लिए। हमारे एक दोस्त है महेश जी, जो कनाडा से उत्तरायण मनाने के लिए यहाँ पे इंडिया आए हुए हैं। क्या दृश्य है, क्या नजाकत है। महेश भाई, इधर आप कनाडा से आए हैं यहाँ पे मकर संक्रांति मनाने के लिए, तो आपको कनाडा और यहाँ की मकर संक्रांति में क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पे तो बिल्कुल पतंग होते नहीं है और पता भी नहीं चलता है। अभी तो बर्फ होगा ना वहाँ पे, बर्फ का मौसम है। तो यहाँ पे आके बहुत दिल खुश हुआ और हम पूरा डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह रख के सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। वाह जबरदस्त। आप सबको भी वेरी हैप्पी संक्रांति, सेफ्टी मेंटेन रखिएगा। अभी खाने के प्रोग्राम की सेटिंग होने जा रही है, हमारे दादा जो है वो कुछ खाने का करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? कुछ भी देखते हैं अभी क्या करते हैं। सब लोग आ जा रहे तो बाद में डिस्कस करके बनाते हैं प्रोग्राम। अच्छा ठीक है जी। क्या वो काम वाली भाई नहीं आए? हाँ। तो बीबी से झगड़ा करना नहीं। हाँ। ढाबे पे आके खा लेना। अच्छा किसके ढाबे पे? अरे नाम नहीं पता यार। ये कपल अभी जूनागढ़ जाके आए हुए हैं और हम उनसे पूछते हैं कि इन्होंने वहाँ पे क्या किया, कैसा रहा सब कुछ। रोपवे के बारे में कुछ बताइए। रोपवे में, गिरनार रोपवे में हम गए थे, वहाँ की टिकट 700 थी टू वे। ओके। और वहाँ पे जाके माता जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और बहुत मजा आया। और जाने में कितना टाइम लगता है रोपवे में, गिरनार चढ़ने में? 8-10 लगा। अच्छा, उतरने में? उतरने में भी 8-10। और ये सारे सवाल जो है वो हमारे दादा पूछ रहे थे। दादा हाय। सुबह से शाम हो गई है और क्या किया आज पूरे दिन भर? पतंग उड़ाई है ना। पढ़ना लिखना 22.5। पढ़ना लिखना 22.5। और पतंग चढ़ाना 23-24। आज हमारे नेताजी का बर्थडे है। थैंक यू, सबने मुझे बहुत सारी विशेस दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सबको चॉकलेट दी। मेरे को कहाँ दी? अरे ये आपके हाथ में है, देखो क्या ये हाथ खाली है मेरा। पतंग जो दादा को खाने की व्यवस्था करने के लिए बोला था और दादा ने सही में खाने की व्यवस्था कर दी हम लोगों के लिए। पूरा दिन बीत गया है और ये रात हो गई है, अब खा के सब कोई घर पे ही जाएंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? हैप्पी उत्तरायण गाइस। थक गया अब मैं ये संभालते। कैसे ब्लॉगर बनोगे आप, इतने थक जाते हो जल्दी? गाइस रात के 12 बज गए और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। तो गाइस
स्कूल में भी बैठने का है ना? नहीं बैठने का है, तो काशी उतरा है, नहीं जाने का। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। गाइस अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत नींद आ रही है, चलो बाय बाय। दूसरा ब्लॉग आएगा।